जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फोरी में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है CBSE की तरफ से। CBSE ने सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसकी पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया, कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना होगा, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी एनसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला था, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट दिसंबर 2021 के बारे में। सीटेट दिसंबर का शॉर्ट नोटिस जारी हो गया, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे नीचे आएंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पर देख पाएंगे 20/9/2021 यानी कि 20 सितंबर से ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा कैसे आपको अपना अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट डेट 19/10/2021 रखा गया। 19 अक्टूबर 2021 से पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर लेना होगा। पेमेंट का जो लास्ट डेट रखा गया 20/10/2021 रखा गया, 20 से पहले आपको इस पेमेंट को कर लेना होगा। उसके बाद आप जब फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद आपका एग्जाम होगा, आपका एग्जाम CBT होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, जो 16/12/2021 यानी कि 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे, जैसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अगर आप, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आंसर किया जाएगा एग्जाम हो जाने के बाद, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा एग्जाम हो जाने के बाद। तो पूरी जानकारी आपको इस पेज पे मिलती ही रहेगी। जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट डेट्स, जो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपका अप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला। जनरल OBC EWS अप्लाई करेंगे तो आपको 700 रुपये चार्ज लगेगा, SC ST फिजिकली हैंडीकेप से अप्लाई करेंगे तो 350 रुपये आपका चार्ज लगेगा। ये फ्रेंड्स आपका देखने को मिल जाएगा सिंगल सब्जेक्ट का। उसके बाद बोथ पेपर के लिए आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 1200 और 600 आप देख पाएंगे यहाँ पर बोथ के लिए और यहाँ पर सिंगल के लिए इतना लगेगा। और नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सीटेट एलिजिबिलिटी, यहाँ पर देख पाएंगे 4 पेपर आपका, एक रहने वाला है 1 से 5 तक, एक 6 से 8 तक रहने वाला है। प्राइमरी स्टेज जैसे आपको देखने को मिल जाएगा इसमें 1 से 5 तक रहेगा। और इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 50% मार्क्स से आपको सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए 50% मार्क्स से। उसके बाद 2 ईयर्स के आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे और भी दे रखा है, आप जाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज के लिए आपका रहने वाला है 6 से 8 तक। इसके लिए फ्रेंड्स बैचलर डिग्री पास मांगा गया है और 2 ईयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे और भी कंडीशन दे रखा है, ये सब आपके पास होना चाहिए। जैसे दे रखा है अगर आप ग्रेजुएट हैं और 50% मार्क्स से, साथ में फ्रेंड्स अगर आपके पास BEd है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद यहाँ 45% मार्क्स से, साथ में और भी यहाँ पर जानकारी दे रखा है, ये सब आपके पास होना चाहिए। से यहाँ पर BEd के लिए भी दे रखा है फ्रेंड्स। जैसे उसके वजह से और नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा, 20/9/2021 से और 19/10/2021 तक ये फॉर्म फिल होगा। जैसे फॉर्म फिल होगा आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन क्लिक है वाला ऑप्शन पर, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर शॉर्ट नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा, देख पाएंगे यहाँ पर CTET का है और यहाँ पर 16/12/2021 से यहाँ पे 13/1/2022 तक आपका ये एग्ज़ाम के बारे में बताया गया, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। और भी जानकारी यहाँ पे दे रखी है तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा 20/9/2021 से स्टार्ट होगा ये ऑनलाइन फॉर्म। और यहाँ से और भी जानकारी आप देख पाएंगे 19/10/2021 तक फॉर्म फिल होगा और पेमेंट का लास्ट डेट ये रखा गया है। और भी जानकारी आप जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इतना ही।